Hello, my dear students. Hope you all are fine, safe, and healthy at your home and enjoying your online classes provided by your school. Today, I shall be Giroti, your science teacher. Welcome you all in our school channel, Sims Official. As you all know that we are discussing about the chapter nine, reproduction in animals. In this, we had discussed the sexual reproduction and the asexual reproduction. Now, we will continue with this topic, that is story of Dolly, the clone. क्लोनिंग इज द प्रोडक्शन ऑफ एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ़ ऑफिस से क्लोनिंग क्या है एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं किसी भी सेल का एक एग्जैक्ट कॉपी क्रिएट करते हैं प्रोड्यूस करते हैं किसी सेल का कॉपी बना सकते हैं किसी लिविंग पार्ट का कॉपी बना सकते हैं या फिर एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म भी क्रिएट कर सकते हैं क्लोनिंग ऑफ एन एनिमल वॉज सक्सेसफुली परफॉर्म्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाई लैंड एंड हिस् कलीग्स एट द रॉसलैंड इंस्टीट्यूट ऑफ आइडनबर्ग स्कॉटलैंड क्लोने एक एनिमल का सक्सेसफुल परफॉर्म किया गया था सबसे पहली बार किसने किया था लैंड विलमत ने और उनके कलीग्स ने मिलकर कहांट्यूट इन आइडनबर्ग स्कॉटलैंड में दक्सेसफुल क्लोन द शीप नेम डॉली उन्होंने एक शीप का क्लोन बनाया था जिसका नेम उन्होंने दिया था डॉली डॉली वाज बोर्न ऑन फिफ्थ जुलाई 1996 एंड वाज़ द फर्स्ट मैमल टू बी डॉली का बॉर्न कब हुआ था डॉली का जन्म हुआ था फाइव जुलाई नाइनटीन में और ये सबसे पहला मैमल था जिसको क्लोन किया गया था मीन्स जिसकी कॉपी क्रिएट की गई थी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग डॉली अ सेल वॉज कलेक्टेड फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड ऑफ फीमेल फेंडोशिप फिन डॉसिट शीप है जब क्लोनिंग करी जा रही थी डॉली की सेल कलेक्ट की गई थी फीमेल शीप की शीप से, की से मेमोरी ग्लैंड से साइमल्टेनियसली एन एग वॉज ऑप्टेन फ्रॉम अ स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव। इसी तरह से क्या करा गया था एक एग ऑप्टेन किया गया था कहां से? स्कॉटिश ब्लैक फेस से द न्यूक्लियस वॉज रिमूव फ्रॉम द एग एग से रिमूव कर लिया गया था न्यूक्लियस को देन द न्यूक्स ऑफ द मैमरी ग्लैंड सेल फ्रॉम द फिंडसिप वॉज इंसर्टेड इन टू द एग ऑफ अमरी ग्लैंड के न्यूक्लियस द न्यूक्लियस ऑफ द मैमरी ग्लैंड सेल फ्रॉम द फिंडसशिप मीन्स इसके मैमरी ग्लैंड सेल में स्कॉटिश ब्लैक फेस ई के एक को इंसर्ट किया गया था हुज न्यूक्लियस हैड बीन रिमूव जिसका इसका तो न्यूक्लियस रिमूव कर दिया था ना तो इनके एग में ब्लैक वेस ईव के एग में इसका न्यूक्लियस इंसर्ट कराया गया था द एग दस प्रोड्यूस वॉज इम्प्लांटेड इन टू द स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव फिर जो एग प्रोड्यूस हुआ है इस तरह से ठीक है किसी किस इम्प्लांट किया गया स्कॉटिश ब्लैक ईव में इम्प्लांट किया गया उस एग को डेवलपमेंट ऑफ दिस एग फॉलोड नॉर्मली एंड फाइनली डॉली वॉज पॉन इसी तरह क्या हुआ एग का डेवलपमेंट हुआ जिस तरह से नॉर्मली होता है और फाइनली डॉली का जन्म हुआ दो डॉली वॉज गिवेन बर्थ बाइ डॉटिश ब्लैक फेस ईव इट वॉज फाउंड टू बी एब्सुल्यूटली आइडेंटिकल टू फिंटॉसिड शीप फ्रॉम विच द न्यूक्लियस वॉज टेकन बर्थ इसको इस वाली शीप ने दिया था डॉली को जो बर्थ दिया था वो ब्लैक फेस ईव ने दिया था लेकिन वो किसकी तरह सिमिलर थी फिन डॉसिड शीप की तरह क्यों नहीं सिमिलर थी इसकी तरह क्योंकि न्यूक्लियस फिंड शीप का था डॉली डिड नॉट शो एनी कैरेक्टर ऑफ द स्कॉटिश ब्लैक फेस ईवी डॉली में कोई कैरेक्टर नहीं था स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव का डॉली वॉज अ हेल्दी क्लोन ऑफ द फिन डॉसट शीप एंड प्रोड्यूस सेवरल ऑफ स्प्रिंग ऑफ हर ओन थ्रू नॉर्मल सेक्सुअल मीन्स डॉली किसका क्लोन था एक हेल्दी क्लोन था फिन डॉसिप का और इसने प्रोड्यूस किए थे बहुत सारे ऑफ स्प्रिंग अपनी ही तरह नॉर्मली सेक्सुअल के थ्रू अनफॉर्चुनेटली डॉली डायड इन फोर्टीन फेबरी टू थाउजेंड थ्री ड्यू टू सर्टेन लंग डिज फिर डॉली को कुछ लंग डिस हो गई थी जिससे उसकी फोर्टीन टू थाउजेंड थ्री में उसकी डेथ हो गई थी सिस डॉलीवर क्लोन मैमल हावर मेनी डाय बिफोर बर्थ एंड डाय सून आफ्टर बर्थ बहुत से ऐसे थे कि जो बर्थ से पहले ही मर गए और जो थे कि बर्थ के बाद मर गए द क्लोन्ड एनिमल्स आर मेनी आर टाइम फाउंड टू बी बोर्न विथ सेवियर एबनॉर्मेलिटीज जो कि क्लोन्ड एनिमल्स होते हैं जो कि बहुत जब भी इनको बर्थ दिया जाता है तो ये बहुत सारी एबनॉर्मेलिटीज के साथ ही ये जन्म लेते हैं